सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये डेटा बाउंड कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रिड व्यू, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा ग्रिड व्यू कंट्रोल को देख लेना, कस्टमाइज इसे भी थोड़ा बहुत हद तक किया जा सकता है, मैंने आपको शायद पहले बताया था। डेटा बाउंड कंट्रोल्स ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, स्टैंडर्ड के नीचे डेटा सेक्शन के अंदर। पहला कंट्रोल है ग्रिड व्यू, ड्रैग करके डाल दिया। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्या, ऑटो फॉर्मेटिंग के, ये ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। विड्थ आप चेंज करना चाहते हो आराम से इसकी इंक्रीज भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो इतना रहने दो, अपने आप से स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आकर के पेज लोड पर इसके अंदर डेटा पुट करने की कोशिश करते हैं। जब भी पेज लोड की कोडिंग करो हमेशा ये तरीका यूज किया करो, ठीक है, पोस्ट बैक ना हो तब ये काम करेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब होता है ये फर्स्ट टाइम रन कोड व्हेन पेज लोड फर्स्ट टाइम, हमेशा पहली बार जब ये कोड हमारा पेज लोड होगा तभी हमारा ग्रिड व्यू लोड होगा, अदरवाइज बार बार नहीं। ये कोड उसी के लिए होता है जब कोई काम पहली बार करना होता है, ठीक है। मैंने आपको शायद ड्रॉप डाउन लिस्ट फिल करने का तरीका जब बताया था तब भी ये दिखाया था। तो यहाँ पर आकर के हम लोग देख लेते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहला काम क्या होता है, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये दो ऑप्शन होते हैं। SQL connection con is equal to, हम लोग पूरा का पूरा कनेक्शन भी बना सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है कौन सी, जिसमें हम लोगों ने कनेक्शन के बारे में बताया था, con utils के बारे में। इसमें हमारे पास क्या है, पूरा कनेक्शन बना हुआ है, और क्लास का नाम क्या है, con util। इसके अंदर हमारा स्टैटिक नाम हाँ मेथड है हमारा कनेक्ट, जिसमें हमने पूरा का पूरा ये बना रखा है, कनेक्शन ओपन होकर के पूरा ही मिल जाएगा हमें। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आकर के कॉन यूटिल जो हमारी क्लास का नाम है डॉट कनेक्ट, कनेक्शन बन गया, कनेक्शन मिल गया। अब एक जगह पर हमने सारा सेव करके रखा हुआ कनेक्शन, इसलिए बाद में अगर कोई चेंज करते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन, विंडो ऑथेंटिकेशन, या डेटाबेस के नाम को रीनेम कर देते हैं, कोई भी हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं तो फिर मुझे बार बार हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कॉन डॉट नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एसक्यूएल कमांड सीएमडी इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन कनेक्शन, एंड देन डेटा टेबल, टेबल इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, याद है नहीं, लोड, इसमें हम लोग कमांड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट डाल देंगे एग्जीक्यूट रीडर से, दैट्स इट, काम हो गया हमारा। बस अब लास्ट काम क्या है, ग्रिड व्यू जो हमने यूज किया था यहाँ पर डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू हमारे टेबल में जो भी डेटा है। दूसरा हमारे पास क्या है, लोड तो हो गया बट डिस्प्ले कब होगा, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, ये तो मेथड हमारे इस चीज़ के लिए होते हैं। यहाँ तक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कंट्रोल एफ फाइव, क्योंकि मैंने उसकी विड्थ वगैरह डिफाइन नहीं की थी, ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी विड्थ आपका ये कैप्चर कर लेगा, जितने भी उसके कॉलम है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि डेटा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए इसे ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। देखो पूरे कॉलम्स आ गए, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना तो कैसे करेंगे, जाएंगे यहाँ
और आपको जितनी विड्थ प्रोवाइड करनी है उतनी करनी है, सेव एंड देन रीलोड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हुआ और कॉलम नेम अपने आप से कॉलम के नाम के हिसाब से आ गए। ठीक है यहाँ तक, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे हम लोग कस्टमाइज थोड़ा सा कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के हम पहला काम ऑटो जनरेटेड कॉलम्स इज इक्वल्स टू व्हाट कॉल्स, इतना करते ही हमारे सारे कॉलम गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, ये तो सारी स्टाइलिंग से रिलेटेड है सारी कहानी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पर कॉलम सेक्शन बना करके डिफाइन करते हैं। कैसे, मैंने कहा बाउंड फील्ड, बाउंड फील्ड कौन सा, यहाँ पर हम लोग डेटा फील्ड ले लेते हैं। डेटा फील्ड में हमने कौन सा लेना है, लेट्स से मैंने कहा रोल नंबर वाला कॉलम मुझे शो कराना है, और आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर का कॉलम शो हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको हेडिंग भी देनी है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, हेडर टेक्स्ट इक्वल्स टू वन, मैंने यहाँ लिख दिया रोल नंबर, स्पेस भी दिया मैंने, लिख रहा है ऊपर। नेक्स्ट, अगले कॉलम के लिए भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, रीलोड। इस वाले कॉलम में हम लोग क्या देना चाहते हैं, नेम, इसमें सिटी, इसमें क्या है हमारे कॉलम्स के नाम, सिटी, मार्क्स, जेंडर, लेट्स से मैं जेंडर ले लेता हूँ यहाँ पर और मार्क्स ले लेते हैं एंड यहाँ पर जाकर के रीलोड कर लेते हैं। तो अपने आप से सारा का सारा डेटा हमारा फिल हो गया, तो दैट मीन्स थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन यहाँ भी अवेलेबल है। दूसरी जो इसकी सबसे अच्छी फीचर जो आपको यहाँ पर लगेगी वो क्या है, मैं डिज़ाइन में वापस जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अलाउ पेजिंग, अलाउ पेजिंग में जा करके आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, इसे प्रूव कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अपने आप से इसने क्या कर दिया, नंबर शो कर दिए हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, प्रॉपर्टी चेंज की है मैंने, और मैं यहाँ पर आकर के रीलोड करता हूँ। ओके, अब अपने आप से आपको क्या पता भाई इसने कितने रिकॉर्ड एक साथ दिखाने हैं। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, इसने अपने आप में 10 रिकॉर्ड दिखाए हैं मुझे, 10 रिकॉर्ड दिखा दिए इसने। लेकिन यहाँ पर आकर के मैं अगर देखता हूँ, अलाउ पेज के नीचे थोड़ा सा जाएंगे और हमें दिखाई देगा पेज साइज कितना दिख रहा है। मैं इसे चेंज करके 15 कर देता हूँ और आप देखिए, अब दिख रहा है। अब मैं इस दो पे क्लिक करता हूँ तो अब आपको एरर भी मिल रही होगी, और इसी एरर में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी क्या, कि ग्रिड व्यू वन जो है उसे फायर करना है एक इवेंट, पेज इंडेक्स चेंजिंग। तो ये कैसे होगा, मैं क्लिक करता हूँ इसी पर, प्रॉपर्टीज मेरे सामने है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होती है बिजली का साइन जो आपको नज़र आ रहा है, ये इवेंट्स के लिए है। क्लिक करिए इस पर तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इवेंट मिलेंगे। आपको किस पे जाना है, पेज इंडेक्स चेंजिंग। आप भूल गए हैं तो फिर वापस यहाँ जाइए, पेज इंडेक्स चेंजिंग, यहाँ पर दो मिलेंगे इस नाम के, पेज इंडेक्स चेंज्ड और चेंजिंग। हमें किस पे जाना है, डबल क्लिक पर करेंगे इस पर, और यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, ग्रिड व्यू वन डॉट पेज इंडेक्स इज इक्वल टू ई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ई, ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स, बस इतनी सी कहानी। कंट्रोल शिफ्ट बी करता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मैंने सी शार्प के कोड में चेंज किया है, वरना कंट्रोल एस करते हैं अगर सिर्फ ए एस पी एक्स वाली फाइल को करते हैं। यहाँ जाते हैं और फिर मैं क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ एक बार फिर से, अपने आप से इसने कैलकुलेट भी कर लिए हैं, चार ही पेज हैं। मैं टू पर क्लिक करता हूँ, थ्री पर क्लिक कर लेता हूँ, ओके आ गया, थोड़ा सा टाइम लगता है। चेंज नहीं हुआ है ना,
काम करते हैं, इसे कमेंट करके देखते हैं। चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। देखो एक चीज़ और, यहाँ पर बेसिकली ये वाला कोड जो है, ये बिल्कुल सही था आपने लिखा, ये वाला कोड जो है एक बार फिर से हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इसके ठीक बाद। रीलोड करते हैं, टू पे क्लिक करते हैं। देखो आगे, थ्री पर क्लिक करते हैं, फोर पर क्लिक करते हैं, आ रहे हैं। अब एक चीज़ और, ये कोड हमारा एक तरह से बार बार लिखना पड़ गया मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे कोड को कट करते हैं और यहीं पर कहीं भी लिख दो, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, लोड डेटा, कुछ भी नाम बना दो। और किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोड डेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोड डेटा। पर समझ लो क्या किया, यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन के अंदर, यहाँ पर ये फंक्शन बनाया मैंने, इसमें सेव कर दिया ताकि ये हमारा कोड ज़्यादा बड़ा लेंथी ना हो जाए। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, काम अब भी हमारा प्रॉपरली चलेगा। मैं यहाँ पर वन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ सारे ही मिल जाएंगे, नेक्स्ट प्रीवियस के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाइए, आपको वापस अपने इसको इवेंट वाले सेक्शन को छोड़ के प्रॉपर्टीज में जाना है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पेजिंग के स्टाइल किस किस तरह के होंगे। यहाँ दिख रहा होगा पेज साइज, पेजर स्टाइल में जाते हैं हम लोग, और पेजर सेटिंग। यहाँ पर हमारे पास दिख रहा होगा कि फर्स्ट पेज के लिए क्या लिखना है, एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा बॉटम में दिखाना है या टॉप पर या दोनों। मैंने कहा दोनों कर लेते हैं, वैसे तो यही दिख गया होगा क्या होना है, एक यहाँ और एक यहाँ। दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि मोड कौन सा है। मोड में हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट और न्यूमेरिक। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट प्रीवियस, तो ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। उसके भी ऑप्शन है यहाँ पर कि नेक्स्ट के लिए क्या लिखोगे, एंड जी टी, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल। हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट। दूसरा इसके लिए, और आप आगे के भी देख सकते हो यहाँ पर। वैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर रीलोडिंग करता हूँ। नेक्स्ट, प्रीवियस, 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 देख रहा है सारी कोडिंग ऑटोमेटिक है यहाँ पर, ठीक है। शक्ल बदलना चाहते हो यहाँ पर, आपको मैन्युअली सीएसएस को एडिट करना पड़ेगा, तभी आपकी चेंज हो पाएगा। यहाँ पर समझ में आई ये कहानी क्या है, टॉप बॉटम का हो गया। मोड में हमारे सामने यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहा था, मोड में आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस और न्यूमेरिक फील्ड। इसका मतलब पहले पेजों पर क्या आएगा, नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन भी आएंगे, न्यूमेरिक फर्स्ट लास्ट। अच्छा वो अभी न्यूमेरिक फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पर क्या लिखना है हमें, और लास्ट वाले के लिए और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपको इसमें फिर दो ऑप्शन दिखाई देने लग जाते हैं, नेक्स्ट भी और सीधा आप लास्ट पे भी जा सकते हो, सीधा फर्स्ट पे भी जा सकते हो, या फिर नेक्स्ट। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आ गए, नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है। ये हमारे पास सारे इससे रिलेटेड हैं, किससे,
पेजिनेशन से रिलेटेड है, किसके अंदर इनबिल्ट पेजिनेशन होता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग ग्रिड व्यू के अंदर, आप यहाँ जाओगे ऑटो फॉर्मेटिंग हो गई हमारी, आपको यहाँ पर नजर आएगा एडिट कॉलम, एडिट कॉलम में जा करके आपको पास यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कमांड फील्ड और ये रहा सेलेक्ट, ऐड पे क्लिक कर दो एंड देन आप अभी फिलहाल ओके कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको रो को सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आकर के मैं रीलोड करता हूँ, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिख रहा होगा रो सिलेक्ट भी हो रही है, बट इसके सिलेक्ट पर मुझे क्या करना है उसका भी अपना एक इवेंट होता है, एक एक करके देख लेंगे उसे भी। दूसरा, इसकी स्टाइल से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, एडिट कॉलम में वापस जाते हैं, ये हमारा सिलेक्ट वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट बटन आपका कैसा नज़र आ रहा है, एक लिंक की तरह। आप चाहो तो यहाँ पर क्या चूज़ कर सकते हो, एक बटन, ओके पे क्लिक करो, कंट्रोल एस करते हैं एंड देन फिर रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि आपको कोडिंग तो उतनी ही लिखनी है जितनी थी, बस आपको ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे धीरे धीरे मिलने लग जाते हैं, इसकी कस्टमाइजेशन लुक के अकॉर्डिंग कम है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा लिस्ट है, उसमें हम लोग अपने हिसाब से उसे कॉलम और फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड हमारा एक सेल में आ जाए, आगे बात करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर आकर के मुझे क्या करना है, इस सेलेक्ट बटन के क्लिक पर मैं डेटा को शो करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, एडिट कॉल यहाँ पर हमारे पास यह है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसकी इसकी, और यहाँ पर मेरे पास इवेंट है और इसमें आपको दिख रहा होगा सिलेक्टेड इवेंट चेंज्ड, डबल क्लिक कर लेते हैं इस पर, सिलेक्टेड इवेंट चेंज्ड, ध्यान से देखना क्या होगा, रेस्पॉन्स डॉट राइट यू सेलेक्ट समथिंग, ये इवेंट कब फायर होता है पहले तो ये देखते हैं। वैसे तो तुम जब डबल क्लिक करोगे ग्रिड व्यू पर, जब भी आप लोग ग्रिड व्यू पर डबल क्लिक करते हो तो यही इवेंट बनता है, और ये इवेंट बाय डिफॉल्ट किसके लिए होता है, इस सेलेक्ट बटन के ही लिए होता है। लेट्स एक बार देख लेते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये क्या कह रहा है, फायर हो रहा है, हो रहा है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आकर के मुझे क्या करना है कि जो आपने रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है वो कैसे शो करेंगे, तो वो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको दिखाना है कि रोल नंबर जो है वो कौन सा है जिस पर मैंने सिलेक्ट किया है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट्स से मैंने स्ट्रिंग टाइप में एक वेरिएबल ले लिया रोल नंबर, और इसमें मैं उसका रोल नंबर स्टोर करूँगा जो मैंने सेलेक्ट किया है, कैसे, ग्रिड व्यू नाम का हमारे पास कंट्रोल है, डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स सेलेक्टेड रो, इससे क्या हो गया मुझे वो रो मिल गई। मैं ब्रैकेट में जाता हूँ, सिलेक्टेड रो डॉट सेल्स, हमारी जो रो है उसमें क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, उन सेल्स में जाकर के हमें कौन सी वाली सेल चाहिए, यहाँ पर आप उसका इंडेक्स बताओगे, इंडेक्स कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 0 पर क्या है रोल नंबर, अगर मुझे रोल नंबर शो कराना है तो 0 डॉट टेक्स्ट, उस रोल नंबर वाली सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो मुझे मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू सेलेक्ट व्हाट रोल नंबर, कौन सा, जो भी रोल नंबर है, कंट्रोल शिफ्ट बी कर लेते हैं, और मैं फिर से यहाँ पर रीलोड करता हूँ पेज को, अब ये गायब हो जाएगा क्योंकि मैं पहली बार लोड कर रहा हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ इट सेज 105 विच इज़ अवेलेबल हियर, अगर आपने 0 की बजाय 1 लिखा होता तो ये नाम शो करता, 2 लिखा होता तो ये इस वाले सिटी को शो करता, और 3 लिखा होता तो ये क्या करता, जेंडर शो करता। तो ये हमारे सामने इस ग्रिड व्यू के ऊपर काम करके दिखाया, आप जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पेजिनेशन यूज़ कर रहे हो वो भी यहाँ पर आपको वर्किंग होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्किंग होती हैं। .NET के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रिड व्यू में आपको अवेलेबल होती हैं।
क्लियर है ये चीज़। यहाँ तक हर चीज़ की कोडिंग करनी होती है, जैसे मैंने सिलेक्टेड इंडेक्स की थी, एडिटिंग करना चाहते हैं उसकी भी कोडिंग करते हैं फिर, लेकिन वो हमारा फेवरेबल होता नहीं है ज़्यादा, कि हम लोग यहीं पे एडिट का मैं दिखा भी देता हूँ। कोडिंग तो खैर हम लोग आराम से बाद में कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बनाना आसान है उसे, हर चीज़ इनबिल्ट है, यह अपने आप से ऑटो जनरेटेड इतना ज़्यादा है कि इसकी परफॉर्मेंस इसीलिए कम है। यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है, एडिट, अपडेट और कैंसिल। ऐड पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, मैं इसका भी जो लुक है वो चेंज कर लेता हूँ कि बटन किस तरह के नज़र आएंगे, बटन टाइप में। कंट्रोल एस करता हूँ और लुक क्या होता है यहाँ पर देखिए। अब ये क्या कह रहा है, तो हर चीज़ का अपना एक इवेंट है जिसको आप लगाओगे, क्लिक करने के बाद वो उसी हिसाब से फायर होता चला जाएगा। यहाँ पर जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाके रो एडिटिंग बोल रहा था ना, एक ही इवेंट है, डबल क्लिक कर लो। यहाँ पर अगर क्या करेंगे, ग्रिड व्यू वन डॉट एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स, कंट्रोल शिफ्ट बी एंड देन मैं फिर से इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे मैंने पेजिंग के साथ किया था, पेज इंडेक्स के साथ, अब ऐसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो वो अपडेट के लिए करने का, यहाँ पर नोटिस करो देखो क्या हो गया, देख रहे हैं? और ये बटन किस तरह के बन गए, आपको दिख रहा होगा कि रो कैंसिलिंग इवेंट, अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करना है, अपडेट पर आप रो अपडेटिंग इवेंट, तो आपको जो जो चीज़ें वहाँ से चाहिए वो सारी चीज़ें उठा सकते हैं। तो इसके अंदर अपने आप से कैपेबिलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, आपको हर चीज़ यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। ये हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू कंट्रोल होता है, डिलीट का भी ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन है, सेलेक्ट का भी। मेनली हम लोग सेलेक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एडिट डिलीट के लिए हम लोग हमेशा नया फॉर्म बनवाते हैं। इसके क्लिक पर मैं दूसरे पेज पर अपने डेटा को रिडायरेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इसके थ्रू करते हैं हम ये काम, यूआरएल रिडायरेक्टिंग। मैंने आपको क्वेरी स्ट्रिंग का टॉपिक यहाँ पर कराया था लास्ट टाइम, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मैंने रोल नंबर निकाला था अभी, क्या ऐड यहाँ पर करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ एडिट का, डिलीट का और सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, तीन तरह के ऑप्शन है। पेजिंग एनेबल होती है, एडिट में तो हमारा अभी हमने इसे बताया नहीं है कि डेटा की बीट कौन सा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ बतानी होती हैं। जब हम लोड कर रहे होते हैं तो हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा की नेम्स कीज़ से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, रोल नंबर, हमने यहाँ पर एरे प्रोवाइड कर दी। इसको बताना पड़ता है कि हमारा की कॉलम है कौन सा, इसलिए की कॉलम आपका फिर वापस रह जाए। सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युअली ट्राई करके देखनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, ग्रिडव्यू वन डॉट डेटा कीज, डेटा कीज हमें दे रहा है डेटा की एरे, उनको रीड करने के लिए। किस तरह की वैल्यू मांगता है, स्ट्रिंग एरे ही मांगता है, नेम इज इक्वल्स टू न्यू
कुछ कर लेते हैं, इससे पहले बिना उसके देख लेते हैं। जो हमने मैन्युअली कॉलम चेंज कर दिए थे उस वजह से उसको की नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हमने शायद ये भी हो सकता है कि मैंने कॉलम का नाम चेंज कर दिया था, स्पेस दे दिया था बीच में, शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या देखो अपना ये रह गया और बाकी सारी चीज़ें, हालांकि ये वैल्यूज भी रह जाती हैं इसमें, लेकिन इसके लिए हम लोग सारा कुछ इसका बना बना फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे तब तो बात और है, वरना सारा हमें खुद मैन्युअली कोड करके रखना पड़ता है। फिर हम सारा यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें सारी की सारी कोडिंग जो होती है वो इनबिल्ट ही होती है, आप यहाँ पर एडिट अपडेट वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, बट जनरली हम लोग इस तरह के काम करते ही नहीं हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारी किसकी फीचर्स हैं, ग्रिड व्यू की। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, डेटा लिस्ट कंट्रोल के बारे में। मैं इसी जो फॉर्मेट है इसे कॉलमर फॉर्मेट में दिखाऊंगा, जिसके हम एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सारा देख पाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट और लास्ट का ऑप्शन है जो इस पीजी का वो निकल सकते हैं, जैसे मान लो किसी के 20 पेज है या 30 पेज तो डायरेक्ट उस पेज पर जा सके, पेज सर्च न्यूमेरिक का बताया था मैंने, इसमें प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पर आकर के आपको इसमें जो पेजर सेटिंग मिली थी, पेजर सेटिंग में आपको यहाँ पर आकर ऑप्शन तो दिया था न्यूमेरिक फील्ड, और यहाँ पर रीलोड कर लो, जिस पेज पर जाना चाहते हो उस पेज पर चले जाओ, आप सीधे तीसरे पर जाना चाहते हो चले जाओ। नहीं, ये 1 2 3 को लेके आ रहे हैं ना, सिर्फ पहला पेज आ फिर डॉट डॉट लास्ट का पेज आए, साइड में मतलब सर्च का वो आ जाए कि इस पेज पर जाना है। अब मान लो 100 पेज है तो उसमें पूरी 100 पेज पर डाल दो, उसमें कौन सा इसमें जो अपने आप से फीचर लगाया हुआ है बस हम वही कर पाते हैं। मैंने आपको बताया कि ASP.NET की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, जो इसने दिया है वही। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा मोड में हमने सिर्फ 4 वैल्यूज दी हैं इसमें, क्या नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट फील्ड न्यूमेरिक फर्स्ट लास्ट इस तरह से दिया है इसमें, इसने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि डॉट 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 लगा करके हम कोई काम कर सकें, जो मोड है बस वही। हमने कहीं से कहीं तक कोई कोड नहीं लिखा है कि इंडेक्सिंग कैसे होगी, हमने सिर्फ डेटा लोड किया है उसके अंदर जैसे भी। अब मान लीजिए मेरे पास 10 पेज हैं, 10 पेज में मेरे पास कम से कम 150 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने कहीं नहीं बताया कि मैं बाकी के पेजेस कैसे दिखाऊंगा, ये अपने आप से ही तो कर रहा है। मैनुअली की तो बात ही अलग है, मैनुअली की तो वैसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे नहीं कि मैनुअली हमें करना है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर पेजिंग इनबिल्ट होती है, ये कंट्रोल क्या है, ये इनबिल्ट पेजिंग लेके चलता है, सिर्फ ये एक है जिसमें हमारे पास पेजिंग एनेबल है, बाकी किसी कंट्रोल में पेजिंग नहीं मिलेगी, एडिटिंग भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं